अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोटिम को। बोटिम व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप है जिसे आप वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, पिक्चर्स वगैरह ये सब आप कर सकते हैं जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं। तो आप जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में BOTIM लिखेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बोटिम को। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, फ्यू सेकेंड्स में ये अभी ओपन हो जाएगा। और इसमें जैसे है व्हाट्सएप में होता है, उसमें भी यही इंफॉर्मेशन है। ये आप देखिए, ये इसका चैट ओपन हो गया, ये कॉल्स है, चैट, कॉन्टेक्ट्स एंड मी, आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो मी में होते हैं। तो मैं कॉल्स पे जाता हूँ, जो कॉल्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो वो कॉल्स मेरे सामने आ जाते हैं, मतलब हिस्ट्री होती है उसकी। उसके अलावा चैट, जैसे मैं चैट में जाता हूँ, अगर मैंने किसी को मैसेज करना है तो मैं देखे ब्रदर 2018 को क्लिक करता हूँ और ये देखिए इसमें मैं लिख देता हूँ हाय, ठीक है, और मैंने सेंड कर दिया। अगर मैं इसको कोई इमोजी सेंड करना चाहता हूँ तो ये देखिए साइड में एक पिक्चर बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, कोई भी इमोजी सेलेक्ट करके सेंड कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर कोई मुझे वॉइस मैसेज करना है तो साइड में एक माइक सा बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करें, फिर उसके बाद लिखा है होल्ड टू टॉक, उसको होल्ड करें और आप इसमें जो भी बातें करते हैं वो कर ले और इसको रिलीज़ करें तो वो उसके पास चले जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो ये साइड में देखिए इमोजी के साथ प्लस साइन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करें। आप गैलरी से इस पर क्लिक करें, गैलरी से भी कोई भी पिक्चर वीडियो सेंड कर सकते हैं, कैमरा से डायरेक्टली शूट करके सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो सेंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल, ये सब आप कर सकते हैं। ऊपर आप देखिए ब्रदर 2018 लिखा है, उसके साथ कैमरा बना हुआ है, मतलब वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। उसके साथ माइक एक रिसीवर बना हुआ है तो आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, सिर्फ कॉल। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी एक कंसर्न पर्सन को आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हम बैक जाते हैं मेन स्क्रीन पर, ये देखिए ये कॉन्टेक्ट्स है। जैसे मैं कॉन्टेक्ट को क्लिक करता हूँ तो ये वो कॉन्टेक्ट्स है जिनके पास बोटिम है। तो अगर इनमें से आप किसी को भी मैसेज करना चाहते हैं, जैसे मैं ड्राइवर वन को करता हूँ तो मैं देखे मैसेज लिखा है, मैसेज को आप क्लिक करें और उसके लिए जो भी मैसेज लिख रहे हैं वो लिखें और सेंड कर दें। उसके अलावा कॉन्टेक्ट्स हो गया, उसके अलावा प्राइम ये यूज़फुल नहीं है, मैं जाता हूँ मी में। मी का मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है। ऊपर आप देखिए रहीम अफरीदी लिखा है, उसके साथ कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जैसे मैं उसको क्लिक करता हूँ, लिखा है प्रोफाइल फ़ोटो, तो आप प्रोफाइल फ़ोटो क्लिक करें, गैलरी से भी फ़ोटो ले सकते हैं और कैमरा से डायरेक्टली भी लेकर उस पर प्रोफाइल फ़ोटो बना सकते हैं। उसके नीचे नाम है, नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं और उसके नीचे स्टेटस है, अगर आप बिजी है, अवेलेबल है वगैरह, जो भी आपका करंट स्टेटस होता है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे आते हैं अकाउंट्स, जैसे अकाउंट को आप क्लिक करते हैं आपका नंबर है, प्राइवेसी और डिलीट माय अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा चैट, चैट में जो इम्पोर्टेंट है वो ऑटो सेव, जब भी आपको कोई पिक्चर सेंड करता है, वीडियो सेंड करता है तो वो अगर आप ऑटोमेटिकली अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप ऑटो सेव को ऑप्शन को ऑन कर दें। मैंने इसको ऑफ रखा है तो इसको आप ऑन करें तो आप जो भी पिक्चर आपको सेंड होगा या वीडियो तो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके नीचे नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन अलर्ट, जैसे ही कोई मैसेज आता है तो मुझे मैसेज मिल जाता है। इसके अलावा यूजेज, तो आप यूजेज भी इसमें मतलब कितना यूज़ हो चुका है वीडियो वगैरह के लिए। फिर उसके बाद बोटिम डेस्कटॉप, अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली आप लैपटॉप में जाए, वहाँ पर वेबसाइट खोले बोटिम, और जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो उसके स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा। फिर आप मोबाइल में जाके ये देखिए मी को क्लिक करें, मी के बाद बोटिम डेस्कटॉप को क्लिक करें तो वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो QR कोड है उसको इस कैमरा से, ये जो आपके लिए रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस पर आप उसको स्कैन करें तो स्कैन होने के बाद वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा टेला फ्रेंड, तो जैसे आप टेला फ्रेंड को क्लिक करते हैं तो अगर आप फेसबुक पर कोई फ्रेंड है उसको आप इन्वाइट करना चाहते हैं, ट्विटर पर, मैसेंजर, व्हाट्सअप मैसेंजर, तो इन सब पर आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं। और अबाउट, तो इस ये सारा बोटिम के इंफॉर्मेशन होते हैं इसमें। तो अबाउट ये वर्जन है 1.20 है, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा
अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ये प्लस के साइन जैसे सीधे के ऊपर लिखे बोटेम, फिर उसके बाद सर्च है, सर्च के बाद ये प्लस का साइन है। जैसे प्लस के साइन को आप क्लिक करते हैं तो न्यू मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली करते हैं चैट में जाके, न्यू कॉल वो भी हो गया, न्यू ग्रुप चैट। तो जैसे आप न्यू ग्रुप चैट को क्लिक करते हैं तो इसमें से वो बंदे आप ढूंढे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनका बनाता हूँ तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और इनको फिर ऊपर लिखा है ओके कर दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ग्रुप भी इसमें बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि आप बोटिम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, और अगर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट्स दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।